बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि हाकिम के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लामी दस्तूर पर चलता हो, अदल और इंसाफ से पेश आता हो, हक़ का पाबंद और रज़ा इलाही के लिए अपने नफ्स को काबू में किए हुए हों। इसका मतलब ये है कि जब तक अहल हुक्मरान दुनिया में मौजूद ना हो तो उनके सामने कलमे हक कहना चाहिए और उनको अपने करतूत और अपने आमाल के हवाले से मुतनब्बे करना चाहिए। इसलिए आज भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किरदार को दोहराने की ज़रूरत है। मुहर्रम में हम अवामुन्नास से खुसूसन पाकिस्तान में अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम करने के लिए अपील करते हैं कि ये मुहर्रम का महीना हक और बातिल के कश्मकश के लिए है, ना कि यहाँ के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को एक बार फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किरदार को दोहराना है और हर जालिम जाबिर और डिक्टेटर के सामने डट होना है।